हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। अभी देखिए शाम का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। एज यूजुअल हम लोग तो ज़्यादा टाइम किचन में ही मिलते हैं, तो किचन में अभी शाम का डिनर का तैयारी करनी शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो, लेकिन आज कुछ हल्का सा ही बनाएंगे। आज मैंने रख दी है दाल, मूंग मसर की वाली है ना ये येलो दाल, इसको ऐसे ओपन में बना रही हूँ। इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी। देखिए तो मैंने आज शाम को ब्लॉग की स्टार्टिंग की है और पुदीने की साथ में बनाते हैं चटनी। पुदीना लेकर आई हूँ, घर का तो नहीं है मेरे पास, घर का होना तो बहुत टेस्टी बनती है। आज मैं कुछ सैलड भी लेकर आई हूँ सब। अभी नींबू वगैरह थोड़ा सस्ता हो गया ना, 100 रुपीज़ KG हो गया अब तो। खीरे ये तो बहुत ज़रूरी है, गर्मी में कोई खाना ही नहीं खा रहा गर्मी के कारण। सब कहते फ्रूट खाना है, दोपहर को आज किसी ने खाना नहीं खाया। तो अभी देखिए मैंने इसे हल्का सा बना रही हूँ कि हल्का सा सब खा लेंगे, साथ में चटनी बनाते हैं और साथ में दही लेंगे। दही काफ़ी भरा हुआ है मेरे घर पर, फ्रिज में मैं आपको दिखाती हूँ कितना दही भरा हुआ है। देखिए दही 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 हो रखा है, कोई खा ही नहीं रहा गर्मी के कारण, खाना ही नहीं खा रहा। तब मैंने सब रखा है, दूध भी अभी शाम को बॉयल किया है। तो देखिए सब मैंने निकाल कर रखा हुआ, चटनी की तैयारी कर लेते हैं, चटनी बनाते हैं और फिर खाने की पूरी तैयारी हो जाएगी। और मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, बहुत गर्मी हो रखी है फ्रेंड्स। तभी थोड़ा सा मैं पुदीने को देखिए अच्छे से इसको निकाल लेती हूँ, इसको धो लेते हैं अच्छे से। पूरे पुदीने की चटनी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा रख लूँगी मैं, थोड़े की बनाने वाली हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज इसमें डाल दिया, कट कर रखा हुआ था, और साथ में एक हरी मिर्च। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो पुदीना मैंने धोकर रखा हुआ है ना, सारा ऐड नहीं करूँगी, हाफ ऐड करूँगी और हाफ मैं कल फिर यूज़ करूँगी इसको बनाने के लिए। और अब इसमें मैं ऐड करी हूँ साबुत अनारदाना, बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे। तो पुदीने की चटनी तो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो पुदीने की चटनी मैं बोली हूँ बहुत अच्छी होती है, इसको हमें खाना चाहिए फ्रेंड्स, गर्मियों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पानी कम ज़्यादा पीते हैं, उससे कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए इसको मैंने ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रखा है। तो देखिए इसको निकाल दिया इस बॉक्स में, जो ऑरेंज वाला है, ये वाले ऑरेंज वाले जो ऐसे बॉक्स हैं उसके हम फूल का बॉक्स लेकर आए, फूल का सेट है, अलग अलग कलर में बहुत ही अच्छे हैं। देखिए इसमें चटनी निकाल दिया, फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी क्योंकि इसमें प्याज भी डाला, प्याज भी बहुत ज़रूरी है गर्मियों के लिए, और साथ में पुदीना। और देखिए साथ में यहाँ पर दाल मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और इसको मैं तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ जीरे का तड़का लगाऊंगी इसमें, गरम मसाला और धनिया पाउडर डालकर इसका मैं तड़का बना रही हूँ। इसमें कोई प्याज का तड़का नहीं दूंगी, बहुत ही हल्की और टेस्टी वाली दाल बनती है। आप भी प्लीज़ ऐसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, मुझे बताना कौन कौन ऐसे बनाते हैं, बहुत डिलीशियस डिनर हो जाता है ना ऐसे। तो ज़रूरी नहीं होता बहुत हैवी हैवी हम खाएं तो फिर ही डिनर हमारा अच्छा होता है, मुझे तो लगता है ऐसे हल्का लाइट खाना खाने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है, हमें लाइट ही खाना चाहिए, बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए। तो अब इसमें देखिए मैं दाल में ऐड कर रही हूँ सूखी हुई मेथी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और दाल और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है, देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर सैलड भी कट चुका है, देखिए कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है, सैलड भी हमें बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए फ्रेंड्स कितनी गर्मी लगी है मुझे, तो सारा काम हो गया, दाल बना कर मैंने रख ली है, सैलड कट कर भी रख लिया, चटनी भी बन चुकी है, और दही देख लेंगे कैसा कैसा सबने खाना है। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है, तो ये मैंने अपने लिए पानी बनाया है, पी लेती हूँ। दूध अभी गर्म है, बाद में फ्रिज में रखती हूँ। सारा किचन का काम हो चुका है, अब थोड़ी देर पानी पी लेती हूँ बैठकर। किचन की लाइट ऑफ़ कर देते हैं, किचन की लाइट ऑफ़ कर दी है मैंने, अब रूम में बैठूँगी थोड़ी देर, बहुत गर्मी लगी है। सहज और उसके पापा घर पर नहीं है, वो अपने लिए लेने गया है पेन। तो मेरी हालत देखिए क्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही किचन में तो बहुत गर्मी लगती है ना। तो चलो अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट कर लेती हूँ, और सारा काम मेरा हो चुका है, बर्तन सब लगे हुए हैं। बाहर का थोड़ा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ शाम के टाइम का, बने रहिए आप इसी तरह मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स बाहर का व्यू देख लीजिए,
कपड़े मेरे थोड़े से अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं। कपड़े मैंने कुछ धोकर डाल रखे हैं, अभी सूखे नहीं हैं। और यहाँ पर प्लांट्स हैं मेरे सब, और बाहर का व्यू देखिए ऐसा हो रखा है। अभी यहाँ पर देख लीजिए सब कार यहाँ लगी हुई है, ग्रीन कपड़ा बांध रखा है हमने ऐसे, तो बहुत सुंदर लगता है ऐसे कुछ। मैं सहज और उसके पापा की वेट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आ जाएं। तो देखिए मेरे प्लांट सब बहुत हरे भरे हो रखे हैं, ग्रीन कपड़ा लगाने से और भी अच्छा हो गया ना। यहाँ पर ये वाली पहले भी हमारी लगी होती थी, सर्दियों में उतार दिया हमने तब फिर लगा लिए। तो अभी देखिए अब मेरा सारा काम हो चुका है, सिंक यहाँ की भी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। और अब चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब मैं यहाँ पर देखिए प्रेस कर रही हूँ कपड़े बेटे के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। ये मेरी ना जो वीडियो है फ्रेंड्स फ्राइडे की है, फ्राइडे शाम की है। तो देखिए इसकी यूनिफॉर्म मैं रात को ही प्रेस करके रख लेती हूँ, नहीं तो सुबह को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो मुश्किल होती है। तो इससे क्या होता है थोड़ी आसानी रहती है अगर शाम को ही सब काम हो जाए ना। शाम को क्या होता है हमारे पास टाइम होता है, कोई टेंशन नहीं होती ना जल्दी जल्दी करने के लिए, इसलिए मैं मैक्सिमम सारे काम जो है शाम को अपने समेट लेती हूँ। और सुबह मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं और सब टाइम से भी निकल जाते हैं फिर, क्योंकि बहुत जल्दी निकलते हैं बच्चों के स्कूल, बहुत जल्दी हो रखी है ना अभी। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने हस्बैंड की भी सब कपड़े प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि उनको भी तो रोज़ ड्यूटी पर जाना होता है सुबह सुबह। वो तो मेरे बेटे से पहले भी चले जाते हैं, बेटा जाता है 6:30 पर और वो चले जाते हैं 6:00 ही चले जाते हैं, इसलिए उनके भी मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। और अब किचन में चलते हैं। देखिए कपड़े प्रेस करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और देखिए अब मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। देखिए मैं सब कुछ रख लिया है और यह है देसी घी, दाल में डालकर खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए दाल मेरी रेडी है, सैलड है, यहाँ पर दही है और ये है पुदीने की चटनी। और इस थाली में अब खाएंगे, आज थाली बनी हुई है बिल्कुल घर पर, बहुत ही टेस्टी वाली थाली बनी है आज। तो थाली में आज डिनर होगा हमारा। और देखिए मैंने थाली लगानी शुरू कर दी है, रोटी रख ली है, दाल, दाल बहुत डिलीशियस लगती है और मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज पूरी थाली सजेगी हमारे घर पर, थाली ऐसे हम रात बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए यहाँ पर मैंने पुदीने को भी डाल दिया है तो, और दही मम्मी और सहज को पहले, सबसे पहले इन दोनों को दूंगी, दादी पोते को, और उसके बाद हम लोग खाएंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, ये सहज के लिए खाना डाल रही हूँ, दही में चीनी डालकर खाता है। और अब इसको दूंगी सैलड, और देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने देसी घी डाल दिया, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली दाल फ्रेंड्स। तब उसको सैलड दे देते हैं और उनको मम्मी को पहले दे दिया खाने के लिए, मम्मी पहले खाना खा रहे हैं, अब सहज को भी दे देते हैं और सहज भी खा लेता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सहज को दे आती हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए डिलीशियस सी एक थाली सज चुकी है आज डिनर में, गर्मियों के लिए बहुत ही टेस्टी डिनर है वाला। तो और देखिए सबको देने के बाद अब मेरी टर्न आ चुकी है, मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, दाल है, दही है, सैलड और मेरी एक रोटी है और साथ में पुदीने की चटनी। तो चलो अब मैं भी खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। तो देखिए कितना डिलीशियस आज डिनर हो गया है। तो चलो अब चलते हैं और खाते हैं। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं बर्तन कर रही हूँ, रात को ही सब बर्तन कर लेना तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो इसमें बैक्टीरिया चला जाता है गर्मी के कारण, तो फिर हम सब बीमार पड़ते हैं, इसलिए मैं सारे बर्तन रात को ही कर लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स बर्तन सब धो लिए हैं, तभी मुझे पानी भरना है। पानी सब यहाँ पर खाली कर सब फेंक गए हैं, उनको अच्छे से धो धो कर मैं पानी भर लेती हूँ। बाकी किचन मेरी ठीक है, क्लीन हो चुकी है। अब मैं ये पानी भर दिए हैं उनमें, आलू खाती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स डिनर हो चुका है, हमने सबने कर लिया लाइट सा आज डिनर किया, दाल और साथ में चटनी, गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट डिनर है। तो बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, तो सबने हल्का हल्का खा लिया। और सैलड तो हमें ज़रूर खाना चाहिए, तो हमने सैलड भी खाया सबने। बर्तन मेरे सब कुछ हो गया, किचन क्लीन हो चुका है, यूनिफॉर्म सहज की और उसके पापा के कपड़े सुबह के लिए मैंने प्रेस करके रख दिए हैं,
और सहज कर रहा है अपना एग्जाम। कल है सहज का पीटी टेस्ट एग्जाम, पीटी टेस्ट स्टार्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है। बस एक चैप्टर आगे सुनाने वाला, वो मैं इनको कह रहा हूँ सुबह सुन लेना, पर ये मान रहे नहीं। अभी सुनना है, अभी सुनाकर आप सो जाओ। रिवाइज कर रहा है, रिवाइज हो चुका है। तो देखिए आज मैंने आपके साथ गर्मी के मौसम में इवनिंग टाइम के क्या क्या काम होते हैं और कैसा हमें खाना लाइट सा खाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नाइट टाइम फ्रेंड्स हमें लाइट सा ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तभी 9 बज चुके हैं, आज थोड़ा हमारा डिनर लेट है, वीडियो के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है ना। इस व्लॉग का फ्रेंड्स हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, इवनिंग टाइम का और डिनर दिखना बताना जरूर, डिनर में जो मैंने लाइट सा आज डिनर बनाया आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके टेल देन एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी बाय बाय।